बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सेट्स। आज से एक सीरीज ऑफ लेसन्स हम शुरू करने जा रहे हैं सेट के टॉपिक के। तो मैं कोशिश करूंगा कि सेकेंडरी लेवल पे सेट से मुतल्लिका जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैं कवर करूं। तो सेट के हवाले से आज ये पहला लेसन। इस पहले लेसन में हम सिर्फ सेट की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, एग्जांपल देंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम सेट्स की टाइप्स और आगे फिर मज़ीद। तो सेट की डेफिनेशन जो है वो क्या है, तो ये हम डिस्कस करते हैं आज। सेट की डेफिनेशन ये है कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये इसकी डेफिनेशन है जी कि सेट जो है वो बेसिकली एक कलेक्शन है। किस चीज़ की कलेक्शन है? दो चीज़ों की, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसी कलेक्शन जिसमें दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स हों, पहली किस्म डिस्टिंक्ट होने चाहिए ऑब्जेक्ट्स, और दूसरी जो कंडीशन है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब कि जो सेम ना हो, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, जो सेम ना हो। वेल डिफाइंड का मतलब, अब वेल डिफाइंड के लिए मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कलेक्शन ऑफ बॉयज़, ये कलेक्शन आपके पास है। अब ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लड़कों की कलेक्शन, बॉयज़ की कलेक्शन, अब कौन से बॉयज़ है ये वाज़े नहीं है, ये गैर वाज़े एक चीज़ है। तो वेल डिफाइंड ऐसी कलेक्शन होती है कि जिसके बारे में इजीली आप फैसला कर सकें कि उस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो कलेक्शन ऑफ बॉयज़ जो है इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इज़ नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन अगर मैं यूं बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ बॉयज ऑफ टेंथ क्लास, तो अब ये जो कलेक्शन है ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। टेंथ क्लास के जो बॉयज़ हैं वो सारे इस कलेक्शन में शामिल हैं, तो इजीली हम फैसला कर सकते हैं कि इस कलेक्शन में कौन कौन से बच्चे आते हैं। लाजमन बात है टेंथ क्लास के सारे स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे। तो वेल डिफाइंड वो वाली कलेक्शन कि जिसके बारे में आप फैसला कर सकें कि उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं, और जिसके बारे में फैसला ना हो सके वो नॉन वेल डिफाइंड। इसी तरह कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर बोला जाए कलेक्शन ऑफ बॉयज हैविंग 90% मार्क्स तो ये फिर वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो मुख्तसरन ये कि हर वो कलेक्शन जिसके बारे में आप इजीली फैसला कर सकें कि उस कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो वो वेल डिफाइंड होगी, और जिसके बारे में आप फैसला ना कर सकें कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होगी। इसके बाद जो अगली चीज़ है, सेट को हम नाम देते हैं इंग्लिश के कैपिटल हरूफ से, ए बी सी या एक्स वाई जेड। नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से देते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर से किसी सेट को हम नाम नहीं देते। और इसके अलावा सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, ना तो हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ना ही हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स हम यूज़ नहीं करते। सेट के लिए हमेशा ये वाली ब्रैकेट यूज़ होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, तो ये एक सेट है। तो चेक करें सेट का जो नाम है वो कैपिटल लेटर, ये एलिमेंट्स हो गए सेट के, और सेट के एलिमेंट्स को हमने कर्ली ब्रैकेट से शो किया। तो सेट जब भी हम लिखेंगे उसका नाम कैपिटल लेटर, और उसको जब हम शो करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। तो सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो पहला लेसन हमारा एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।